हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी, जो एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, उनको कानपुर का छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का भी कुलपति बना दिया गया है, और साथ ही 2021 में AKTU को एक नया कुलपति मिलने की आशा है। तो उसी से संबंधित ये एक लेटर है, देख रखे हैं, ये 8 अप्रैल का लेटर है और चांसलर कुलधापति छत्रपति साहू जी महाराज, इसमें लिखा हुआ है, मैं आनंदी बेन पटेल, जो हमारे यहाँ की राज्यपाल भी हैं, कुलधापति छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा जो के अंतर्गत पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रोफेसर विनय कुमार पाठक कुलपति APJ अब्दुल कलाम को लखनऊ को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त करती हूँ। मतलब 3 वर्ष तक जो प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी हैं वो CSGM यूनिवर्सिटी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के कुलपति रहेंगे। आगे लिखा है, उपरोक्त के साथ साथ प्रोफेसर विनय कुमार पाठक द्वारा APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में नई कुलपति की नियुक्ति तथा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति पद के दावित्व का भी निर्वाह करेंगे। तो जब तक AKTU को एक नया कुलपति नहीं मिल जाता तब तक प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी ही जो है वो AKTU के कुलपति रहेंगे, लेकिन 2021 में या 1-2 महीने के अंदर AKTU को एक नया कुलपति मिलेगा, क्योंकि 2 विश्वविद्यालय के कुलपति एक नहीं हो सकते, कार्यभार भी काफी ज्यादा हो जाता है। तो यही लेटेस्ट अपडेट थी कि AKTU को जल्द ही 2021 में एक नया कुलपति मिलेगा। प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी को CSGM यूनिवर्सिटी का कुलपति बना दिया गया है। आप देख सकते हैं नीचे साइन भी है, महेश कुमार गुप्ता कुलधापति के अपर मुख्य सचिव। तो यही लेटेस्ट अपडेट थी कि AKTU के जो कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी को CSGM का कुलपति बना दिया गया और जल्द ही AKTU को एक नया कुलपति मिलेंगे। तो यही लेटेस्ट अपडेट थी, और अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।